हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता और आज हम निकल गए हैं पुणे से जयपुर की ओर यात्रा में। आप सब भी हमारे साथ इस यात्रा का साथ दीजिए। पुणे से निकलने के बाद हमारा पहला स्टॉप आया शिरडी। लगभग 5 घंटे की जर्नी थी। रात को रेस्ट करने के बाद अगली सुबह साईनाथ की नगरी से हमारी यात्रा फिर शुरू हो गई। महाकालेश्वर की नगरी उज्जैन के लिए हम लोग निकल पड़े सुबह सुबह। तो आइए देखते हैं आगे आगे इस यात्रा में, हमारे साथ बने रहिए। लगभग 10 घंटे की यात्रा के बाद हम लोग पहुंच गए उज्जैन, महाकालेश्वर की नगरी उज्जैन। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव को समर्पित अति प्राचीन मंदिर है और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह पवित्र क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। आइए चलते हैं और इस भव्य नए कॉरिडोर को हम भी निहारते हैं। मंदिर में प्रवेश से पहले महाकाल के नाम का टीका लगाना भी जरूरी है। अब चलिए अंदर। जितना भी हमने कॉरिडोर के बारे में सुना था उससे कहीं ज़्यादा सुंदर था और भव्य रूप था, जो कि कैमरे में शायद कैद ना हो पाए लेकिन अपनी आँखों से निहारने में बहुत ही अच्छा लगा। पूरा मंदिर कॉम्प्लेक्स बहुत साफ सुथरा था। मंदिर में भीड़ काफ़ी थी लेकिन भक्तों का उत्साह देखते ही बढ़ता था। मंदिर में 200 से भी ज़्यादा छोटी और बड़ी मूर्तियाँ बनाई गई थी। आप भी समय निकालकर महाकालेश्वर के इस भव्य कॉरिडोर के दर्शन करने जरूर जाएं। आगे हैं झलकियाँ कुछ कॉम्प्लेक्स की। महाकालेश्वर आप सबकी मनोकामना पूरी करें। यात्रा आगे जारी रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू शेयर एंड सब्सक्राइब।